JMB Computers and Technology। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फेसबुक अकाउंट में आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी फेसबुक यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं और उसको वापस अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं देख लेता हूं, यहां पर मेरे पास कुमार गुलशन के नाम से मेरा फ्रेंड है। सिंपल मैं इसकी प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आप 3 डॉट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका 3rd नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ब्लॉक का। ठीक है, तो सिंपल आप इस ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन करेगा कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो सिंपल आप ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्लॉकिंग दिस यूज़र, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में ये यूज़र अब ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, ब्लॉक हुआ है या नहीं इसके कन्फर्म करने के लिए सिंपल आप इसके प्रोफाइल पर दोबारा क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक एरर आ जाता है, दिस पेज इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, तो सिंपल आपको बैक चले जाना है। इसका मतलब कंफर्म है कि आपका ये यूज़र आपके आईडी से ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसको अनब्लॉक कैसे करूं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। ऊपर आपकी 3 लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल आप सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको प्राइवेसी के अंदर ब्लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉकिंग, ठीक है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके वो सभी कॉन्टैक्ट आ जाएंगे जिनको आपने ब्लॉक किया है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने प्रेजेंट में कुमार गुलशन नाम से हमने फ्रेंड को ब्लॉक किया था, तो वो सबसे टॉप पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अनब्लॉक करूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको राइट साइड में अनब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपल आप अनब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अनब्लॉक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अनब्लॉक का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप अनब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अनब्लॉक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुमार गुलशन का नाम यहाँ से हट जाएगा, यानी कि वो अब अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो अनब्लॉक हुआ है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल बैक चला जाता हूँ फिर से और यहाँ पर होम पेज पर आ जाता हूँ। और जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है कुमार गुलशन, अब देख लेते हैं अनब्लॉक हुआ है या नहीं। तो सिंपल मैं इसकी प्रोफाइल पर फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इनकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। इसका मतलब है कि ये अब अनब्लॉक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यूजर्स को, फेसबुक यूजर्स को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं।